हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में ICBN रूल्स के बारे में बात चल रही थी, जिसमें ICBN जो रूल्स हैं वे लगभग 13 रूल्स हैं, जिनमें से जो फर्स्ट रूल है उसको अपने डिस्कस कर लिया था। बच्चों, आज अपने बात करेंगे सेकंड रूल की, जो कि ICBN का जो सेकंड रूल है, दूसरा रूल है, वो क्या कहलाता है? द टाइप मेथड। इसको क्या बोलते हैं? प्ररूप विधि। टाइप मेथड क्या बोलते हैं? प्ररूप विधि। बच्चों, ये जो टाइप मेथड है, टाइप है एक प्रकार की हर्बेरियम शीट है। हर्बेरियम शीट में आपने देखा होगा कि हर्बेरियम जो शीट है उसके ऊपर ड्राइड जो पौधे हैं उनको माउंट किया जाता है, सुखाए गए पौधों को चिपकाया जाता है, ठीक है, तो वो स्पेसिमेन कहलाता है। तो सबसे पहले जो स्पेसिमेन अपने ऑथर के द्वारा किसी भी प्लांट बॉडी के लिए, किसी भी प्लांट के लिए सबसे पहले जो स्पेसिमेन यूज किया जाता है वह टाइप कहलाता है। बच्चों, इसके लिए जो टर्म्स यूज की जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जो टाइप्स हैं, टर्म्स यूज की जाती हैं, वे ये हैं, जैसे होलोटाइप, जैसे आइसोटाइप, लेक्टोटाइप, सिनटाइप, कोटाइप, टोपोटाइप, ठीक है। तो ये टर्म्स जो हैं ये इसके अंदर यूज की जाती हैं। जब भी अपने हर्बेरियम शीट बनाते हैं और उसको स्पेसिमेन की तरह यूज करते हैं तो ये टर्म्स बच्चों यूज की जाती हैं। तो एक एक करके ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है। जैसे होलोटाइप, होलोटाइप का यहाँ क्या मतलब है कि वन स्पेसिमेन डिजाइन बाय ऑथर एज द नोमेनक्लेचर टाइप। किसी भी पौधे के नामकरण के लिए पहली बार जो स्पेसिमेन डिजाइन होता है, ऑथर लेखक के द्वारा जो स्पेसिमेन डिजाइन किया होता है सबसे पहली बार, प्रथम बार, वो क्या कहलाता है? होलोटाइप। या यूं कहें कि लेखक के द्वारा एक प्लांट के लिए तैयार किया गया स्पेसिमेन जो है वो क्या कहलाता है? होलोटाइप कहलाता है। इसी प्रकार आइसोटाइप, आइसोटाइप का मतलब क्या है बच्चों? ये होलोटाइप का डुप्लीकेट ही होता है। आइसोटाइप जो है होलोटाइप का डुप्लीकेट ही होता है। इसी प्रकार लेक्टोटाइप, लेक्टोटाइप का क्या मतलब है? स्पेसिमेन सिलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल। बच्चों, ये एक ऐसा स्पेसिमेन है जो ओरिजिनल मटेरियल से ही सिलेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। ओरिजिनल मटेरियल का मतलब क्या है? जिस मटेरियल से प्रथम बार जो स्पेसिमेन अपने को तैयार किया था लेखक द्वारा, प्रथम बार जिस मटेरियल से ओरिजिनल स्पेसिमेन तैयार किया था, अगर वहीं से एक दूसरा स्पेसिमेन सिलेक्ट किया जाए तो वह क्या कहलाता है? लेक्टोटाइप। और ऐसी कंडीशन पैदा क्यों होती है कि जब ओरिजिनल जो, या यूं कहें कि जब होलोटाइप इज मिसिंग, यानी ओरिजिनल जो स्पेसिमेन है वो खो जाता है, तो तुरंत उसी टाइम क्या है, जो ओरिजिनल जो मटेरियल है, ठीक है, वहीं से एक और स्पेसिमेन सेलेक्ट किया जाता है लेखक के द्वारा, ठीक है। सिनटाइप, सिनटाइप बच्चों, जब लेखक के द्वारा, ऑथर के द्वारा ओरिजिनल स्पेसिमेन का निर्धारण ना हो तो उसके स्थान पर अन्य स्पेसिमेन मान्य हो, ठीक है। नोमेनक्लेचर के लिए ऑथर के द्वारा जब ओरिजिनल स्पेसिमेन निर्धारित ना हो तो उसके स्थान पर अन्य जो स्पेसिमेन है वो मान्य हो, तो वो स्पेसिमेन क्या कहलाते हैं? सिनटाइप। कोटाइप, कोटाइप का मतलब क्या है? ओरिजिनल स्पेसिमेन के अलावा अगर उसी पौधे से एक और स्पेसिमेन चूज किया जाए ऑथर के द्वारा, ओरिजिनल स्पेसिमेन के अलावा उसी पौधे से एक और स्पेसिमेन अगर सेलेक्ट किया जाए तो वो क्या कहलाता है? कोटाइप। और टोपोटाइप का मतलब क्या है कि उसी जगह पर जिस स्थान से
होलोटाइप सेलेक्ट किया जाता है, अगर उसी स्थान से जिस स्थान से होलोटाइप सेलेक्ट किया जाता है अगर उसी स्थान से एक और स्पेसिमेन सेलेक्ट किया जाए तो वो क्या कहलाता है, टोपोटाइप कहलाता है। तो बच्चों ये था टाइप मेथड के बारे में। अब अपने बात करते हैं इसका जो तीसरा जो रूल है वो है रूल ऑफ वैलिडिटी, यानी वैधता का नियम। बच्चों जब भी ऑथर किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखता है तो वो कितना वैध है, कितना वैलिड है, कितना मान्य है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं, जैसे कि कोई भी नया प्लांट है अगर उसका कोई भी लेखक उसका नामकरण करता है तो उसका वो प्रभावी कितना है, ठीक है, इफेक्टिव कितना है, प्रभावी कितना है, क्या वो इटैलिक भाषा में लिखा हुआ है, तिरछे अक्षरों में लिखा हुआ है या वो अंडरलाइन है। तो बच्चों ये कुछ बातें हैं ये अपने को ध्यान में रखनी होती हैं, तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ वैलिडिटी यानी वैधता का नियम।